सर, आज आप मुमरा के कब्रिस्तान वादिय हसनैन कब्रिस्तान में आए हैं और आज जो है शिंदे गुट की तरफ से रैली भी थी। क्या कहेंगे सर, यहाँ के लोगों से किस तरह का प्यार मिल रहा है? नहीं, देखो तक बने हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, एक उत्कृष्ट वक्ता जिसने पार्लियामेंट में अपने महाराष्ट्र से लेके तो मुंबई से लेके उनके चुनाव क्षेत्र में जब जब भी सेशन होता है, अधिवेशन होता है, जो पायाभूत मूलभूत सुविधाएं जनता को होना चाहिए उसके लिए काम किया है। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम, वो दलित सभा ये निशानी पे 20 तारीख को बटन दबाएगी और तीसरी बार उनको लोकसभा में भी। सर, एक मुस्लिम कैंडिडेट होते, मुस्लिम नेता होते हुए जिस तरह से राज ठाकरे का मुमरा को लेकर के बयान आया था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, अलग अलग नेताओं का अलग अलग विचार रहता है। राज ठाकरे साहब की पार्टी अलग है, वो आज हमको सपोर्टर है, लेकिन हर आदमी के अपने बयान के ऊपर अगर हमने कुछ ना कुछ अगर ढूंढे या देखे तो उसको निकलेगा। मुझे लगता है मुमरा इतनी अच्छी बस्ती है, यहाँ आने के बाद में मुझे तो थोड़ा थोड़ा काश्मीर का लुक दिखता है। चारों तरफ से पहाड़ी, पहाड़ी के बीच में बसे हुए लोग और अच्छे लोग, सच्चे लोग यहाँ रहते हैं। कोई क्या बोलेगा इससे ज्यादा, जो 20 तारीख के दिन मुझे लगता है ऐसा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से मैं तो इतना बताऊंगा कि मैं 25 साल से 5 बार मिनिस्टर बना हूँ, एमएलए हूँ, कई वर्षों से राजकारण करता हूँ, लेकिन जो हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट 30 करोड़ का था उसको 500 करोड़ का करने का काम भी ये जातिवादी सरकार जिसको बोलते हैं हिंदुत्ववादी, वहां से ही हुआ है। आज हमारा मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसको 500 करोड़ रुपए, जहां जहां हमारी माइनॉरिटी की बस्ती रहेंगी वहां मस्जिद में जाने का रास्ता होगा, कब्रिस्तान के वॉल कंपाउंड होंगे, स्कूल होंगे या शादी खाने, छोटे छोटे काम होंगे। ये सारे काम ये सरकार में जितने हुए हैं, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले, मैं कांग्रेस का भी 20 साल एमएलए रहा हूँ, इस राज्य भी 3 बार मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन जो पैसा, जो विकास का निधि माइनॉरिटी के लोगों को देने का काम यहाँ सरकार ने किया है, जो शिंदे सरकार, देवेंद्र जी के डीसीएम और अजीत दादा, ट्रिपल इंजन वालों ने जितना सपोर्ट किया, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले मुसलमानों की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को इतनी मदद कभी नहीं मिली। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी इसके अंदर माहिती के अधिकार में मालूम दे सकता है, मालूम दे के क्या है रियल फैक्ट, कितना फर्क पड़ा है, कितना निधि दिया है, इसका अगर हमने देखे तो मुझे लगता है ये हमारे 2 साल में जितना निधि मिला इससे पहले इतना निधि कभी सरकार को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने नहीं दिया। सर, जैसे हमारे मुख्यमंत्री है जो मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, एकता बनाने की बात करते हैं, उसी मंच से कुछ जहरीले बयान यहाँ पर दिए जाते हैं, मुमरा वालों को टारगेट बनाया जाता है कि आतंकवादों से जोड़ा जाता है, तो उस पर आपकी सरकार क्या करेगी? सर, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गलत बयान देने वालों ने जवाबदारी से, जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, ताकि जिम्मेदारी से बोलने के बाद में कोई भी समाज को एक आधा टारगेट नहीं दिया जाता, एक आधी जमात को या एक आधे व्यक्ति को अगर हम अगर गलत बोलेंगे तो उससे माहौल खराब होता है, ना इत्तेफाकी होती है और भाईचारे में कहीं तो भी छोटे छोटे बयानों से बहुत दुश्वारियां, बहुत तकलीफें होती है। मैं इससे सभी भाइयों से बोलूंगा कि ये बस्ती हमारे महाराष्ट्र की, हमारे हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बस्ती है, सबसे अच्छे लोग, ये पहाड़ियों की वादियों में जिस तरह से हम दूसरे स्टेटों में जाके देखते हैं, वही हमारे मुंबई में यहाँ जो लोग रहते हैं, बदलाव करने का काम अलग नहीं कर पाऊंगा, तो महाराष्ट्र सरकार ने उसकी चौकसी करना चाहिए और उनको कार्रवाई करना, क्योंकि मैं भी एक सरकार का जिम्मेदार मंत्री हूँ, इस नाते से बोल रहा हूँ, किसी को बेजवाबदार और बेवजह जहाँ कुछ होगा तो गलत आदमी होगा तो उसकी इंक्वायरी किया जाना चाहिए। कोई एक आधा व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन पूरा विभाग, पूरा चुनाव क्षेत्र या पूरा मुमरा से मुंबई तक
ये सारे लोग उसके अंदर जिम्मेदार नहीं हो सकते। एक आधा इंडिविजुअल आदमी से कोई गलती हुई, इंडिविजुअल कोई गुनाहगार रहा, तो वो गुनाहगार हो सकता है, पूरा समाज गुनाहगार नहीं। सर राजन की ने यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक है वो इस वक्त जो है बहुत ही लगन के साथ जो है प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? सभी लगन से काम कर रहे हैं। अभी देखो माजी कॉर्पोरेटर है, उनको लगता है उनकी बस्ती उनके लोग जुड़े रहे राजकारण में समाजकारण में। अलग अलग धर्म के अलग अलग जात के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सभी अपना जो भी एरिया में उनके वक्त किया हुआ काम होगा, अभी आने वाले वक्त में काम करने वाला होगा। जैसा एकनाथ शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जो बदल देखा हूँ, इससे पहले कई मुख्यमंत्री बने लेकिन वो मुख्यमंत्री सोने से चमचे से दूध पीने वाले मुख्यमंत्री में, और आम किसान का बच्चा जब अगर इतने बड़ी जिम्मेदारी बड़े पद पे पहुंचता है तो इसलिए सर्वसामान्य गोर गरीब शेतकरी शेत मजदूर ये सब लोगों को न्याय और इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि उन पे विश्वास, इस सरकार पे विश्वास, और अजीत पवार से लेके तो देवेंद्र जी से लेके तो एकनाथ शिंदे साहब तक और उनके साथ जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ सारे अलग अलग लोगों से जुड़े हुए, कोई छोटे समाज से होगा कोई बड़े समाज से होगा, हमारा हिंदू भाई बड़ा भाई है तो मुसलमान छोटा है, दलित भाई उनसे भी बरोबरी में छोटा है, ये ऐसे छोटे छोटे समाज मिलके जहाँ तीनी माली कोली ठंगर सुतार भवार पड़ियार वो छोटे छोटे जाते हैं, लेकिन ये सब जब एक खट्टा होती है तो एक ताकत बनती है, वो ताकत यहाँ के कॉर्पोरेटर जी ने वो लगाया। मैं उनका से शुक्रिया। सर एक आखिरी सवाल है, आप एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं तो उन्होंने हाजी मलंग को लेकर के भी बहुत बड़ा बयान दिया था, मलंगगढ़। देखो क्या है, ऐसे कही हमारे दरगाह है कहीं ऐसे है कि वहां उसको हिंदू लोग भी मानते, तो हिंदू लोग मानते, ऐसा कोई समाज नहीं है कि जो समाज के लिए मानने का काम कई दरगाह है कि वहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भाई, हमारे एरिया में भी मराठवाड़ा में औरंगाबाद में ऐसी कई दरगाह है तो वहाँ हिंदू लोग भी बड़े पैमाने पर जाते हैं, और मुसलमान के सगा वो भी जो इबादत जिसको करना है वो उसकी भाषा में करता है, जिसके समाज की धार्मिक विधि से करना है, लेकिन मलंग तो एक ही रहेगा, वो भी बार बार दूसरी जगह बांटा नहीं जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे साहब का एक बयान बार बार कोट किया जा रहा है कि उन्होंने बाबरी गिराई इस तरह से दावा करते हैं, तो और यहाँ पर जब डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की बात आ रही कह रहे थे कि धर्म ना देखिए, तो अगर जब डेवलपमेंट पे वोट मांगना है तो सवाल ये है कि वहां से मलंगगढ़ और यहाँ से बाबरी, ये बातें क्यों बीच में आ रही है? अगर वोट अगर हमको डेवलपमेंट पे ही देना है तो डेवलपमेंट तो नहीं है ना सर यहाँ पे? देखो डेवलपमेंट नहीं है इसको, डेवलपमेंट जो जो मतलब डेवलपमेंट की बात ही नहीं होगी। नहीं डेवलपमेंट की बात कब होगी, जब डेवलपमेंट से लोग जुड़े। मैं मेरा चुनाव क्षेत्र है, मैं जहाँ से राजकारण की शुरुआत करता हूँ वहाँ का डेवलपमेंट यहाँ, अब ये डेवलपमेंट विशेष अल्पसंख्यक विभाग से होना चाहिए, इसके लिए तो हमने ये प्लानिंग बनाई, ये जो मैं जो पॉलिसी बता रहा हूँ आपको। देखो इससे पहले भी 250 करोड़ ये शहरी विभाग के डेवलपमेंट के लिए, 250 करोड़ ग्रामीण विभाग के लिए, ये पहले कभी नहीं दिए गए, अभी इस बार दिए, अभी उसके पूरे काम भी नहीं हुए। यहाँ भी हमारे जो दोस्त है अभी उन्होंने बताया नजीब मुल्ला साहब ने, हमारे पास ये जो माइनॉरिटी की बस्तियां हैं यहाँ कहीं लैंड लाइन नहीं है, कहीं लाइट की समस्या है, कहीं कब्रिस्तान के वॉल कंफर्ट नहीं है, कहीं शादी खाने नहीं है, तो ये सारी चीजें करने के लिए भी हमने आप जो ये डेवलपमेंट का अभी आपने सोचा था कि इससे पहले आदिवासी और मागास वर्गी के जो टैलेंट ब्रिलियंट बच्चे है ये विदेश के 200 कॉलेजों में जाके पीजी करते थे और उसकी गवर्नमेंट खर्चा देते, ये पहली बार हमने किया, हम हमारे मुस्लिम बच्चे भी बाहर जाएंगे और वो भी उनका भी सरकार खर्चा करेगी क्योंकि ये गवर्नमेंट ने निर्णय लिया, अगर नहीं लेते वो भी जाते नहीं थे। अभी 200 कॉलेजेस को जो माइनॉरिटी के बच्चों को जो न्याय और इंसाफ दिया गया, मुझे लगता है पहली बार हुआ है, इससे पहले मानसवर्गी और आदिवासी भाइयों के बच्चे जाते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, हाल ही में राज ठाकरे ने कलवा में जो सभा हुई थी, अपने माइनॉरिटी की बात की सर, आजादी के बाद से कई राज्यों में, इनके सारे राज्यों में कई सारे माइनॉरिटी मिनिस्टर्स हुए, लेकिन सचर कमेटी की रिपोर्ट है, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट है, वो आपके सामने है कि सबसे ज्यादा बदहाल अगर कोई है एजुकेशन से लेकर दूसरे मामलात में तो वो एक मुस्लिम समाज है, तो आखिर ये कब तक सियासत में इस्तेमाल होता रहेगा? क्योंकि कहां ये जा रहा है कि दूसरों का झंडा उठाने में काफी ये कौम आगे रही है, इसका सिर्फ इस्तेमाल होता है, लेकिन जब अपने पद पर पहुंच जाते हैं नेता तो फिर इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाता है, तो क्या वो हिस्सेदारी मिलेगी, वो कब मिलेगी? मुझे लगता है
यही बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, क्या जो 34 करोड़, 30 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक जब डिमांड होती है और वो विधानसभा के अंदर मंजूर होती है, तो यही तो आपने देखना चाहिए। आप तो पूरे पत्रकार हैं, आप सारे अपने अपने हिसाब से, कोई नेशनल में चैनल से होगा, कोई स्टेट चैनल से होगा, कोई राज्य से होगा, कोई हमारे पास तीन अलग अलग किस्म है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और सबसे बड़ा तो ये आपका जो सोशल मीडिया है, ये बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया के हिसाब से आप उसकी मालूमत दो कि जितना ये 6 महीने में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में तेजी से काम कर रहा है, मुझे लगता नहीं अभी हम मदरसों को 2 लाख दे देते, हमने 10 लाख रुपए देने का फैसला लिया, तो ये कुछ कर रहे बोल के हुआ। हमारे बच्चे जो इंजीनियर बनते थे, मेडिकल को जाते थे, उनको मौलाना आजाद फाइनेंस से फाइनेंस नहीं होता था, आज मैं उनको 20 लाख रुपए फाइनेंस करता हूँ, चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और बनने के बाद में ये पैसा दूसरे भी उसके आंकड़े कुछ बता सकते हैं मौलाना आजाद कमीशन से? ये सवाल बहुत बड़ा है, मौलाना आजाद का नाम जरूर आता है लेकिन उसके आंकड़े आज तक सामने नहीं। मैं यही बता रहा ना कि उसको ये भी 500 करोड़ रुपए दिए, यही तो करे अभी 6 महीने के अंदर जो हुआ। आप मेरे मंत्रालय में आओ, आज भी आप माहिती के अधिकार में मालूमत डालो, 24 घंटे में आपको उसके अर्जेंट मालूमत मिलेंगे। महाराष्ट्र का हमारा जो डिपार्टमेंट है, वहाँ डिपार्टमेंट के अंदर कितना पैसा मंजूर किए, अभी तक खर्चा कितना हुआ, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि 6 महीने में 500 करोड़ रुपए माइनॉरिटी के कामों के लिए मुसलमानों की बस्तियों में, एरियो में, महाराष्ट्र के क्षेत्र है जो देश आजादी के बाद पहली बार हुआ। तो जो हो रहा है वो भी करना चाहिए, और जो कर रहा है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब इंटरनेशनल एक अलग लोग रहते हैं, कोई देश लेवल पे बोलने वाले अलग रहते हैं, स्टेट लेवल पे बोलने वाले अलग रहते हैं, और अपनी डिस्ट्रिक्ट में अपने चुनाव क्षेत्र में बोलने वाले अलग। एक आखिरी सवाल इस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर है आप, बोलो बोलो, जो आवाज पूरे देश भर में बुलंद की जा रही थी फिलिस्तीन को लेकर, अभी हाल ही में राज ठाकरे ने कहा फिलिस्तीन और कहा भारत, कहा फिलिस्तीन कहा भारत, तो क्या माइनॉरिटीज को भी हक नहीं है कि वो अपने भाइयों के लिए आवाज उठाए? इसका कुछ आप वो दीजिए कि आप मेरी बात सुनो, जो दुनिया में इस्लामिया के लोग तरीके को मानने वाले लोगों को उतना हक है। सवाल ये आता है वो देश के अगर कोई गरीबों पे दुनिया के अंदर यूरोप के अंदर भी बात उठाई जाती है, तो ये तो हमारा हिंदुस्तान है, कहीं भी जहाँ जुल्म होता है वहाँ आवाज उठाना चाहिए, वो जायज है ना जायज है उसको भी सोचना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि राज ठाकरे साहब के बयान पे इतनी बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बार मेरी बात सुनो, मैं बताता आपको कि ये स्टेट में जो माइनॉरिटी को किया गया उसके ऊपर अगर हमने सोचे तो मुझे लगता है कि देश में जब से हर स्टेट में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना है उसके बाद शिंदे सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनने के बाद में, अजीत दादा और देवेंद्र जी बनने के बाद पहली बार ये 6 महीने में माइनॉरिटी को वोट दिया गया। बहुत मुझे लगता है हिंदुत्ववादी सरकार है, लेकिन हिंदुत्ववादी सरकार ने क्या काम किया है वो भी सोचना चाहिए, वो भी बताना चाहिए। ये नेगेटिव बातें बताना बहुत सोपा है, लेकिन अगर पॉजिटिव काम कोई सरकार करता है तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। सर यही चर्चा है शहर में, शहर से बात होती है और भी बात हो जाना, शहर की जो है मुंबरा शहर की हमेशा नेगेटिविटी बात जो है आगे चलती है, लेकिन पॉजिटिविटी बात जो है मुंबरा की कोई बताता नहीं, यही शहर में चर्चा है। तो आने वाला मैंने आपको ये बताया, आपने सुना नहीं होगा कि इतनी वादियों में, इतनी पहाड़ियों में बसा हुआ ये बस्ती, ये सबसे खूबसूरत एरिया, अच्छा एरिया, खाड़ी में के लोग भी यहाँ से आजू बाजू से देखे तो ये बस्ती अच्छी है, लोग अच्छे है। एक आधा आदमी गलत हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन एक आदमी गलत होने से पूरा एरिया को आप बदनाम नहीं कर सकते। सर यही बात है, अगर सर यही बात है, अगर मुसलमान अगर एक चीज गलत करता है तो उसको जो है टीआरपी के लिए जो है उसको बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन अगर वही जो एक काम आप भी करते हैं सर, इन्हीं बयान मिली वहाँ तुमने राज ठाकरे साहब सर, इन्हीं बयान के चलते आपके बाजू में भी राजन किरे साहब बैठे हुए, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है कि ये भी उसी रंग में रंग गए सर, तो इस गलत फहमी को इसको कैसे दूर, ये काफी मुस्लिम समाज के बीच में रहे से उन्होंने सारे समाज की सारी कौम के साथ लेके चलते, उनको कितना भी टारगेट बनाया गया तो टारगेट बनाने वाले का क्या हाल होता है वो भी हमने देखे है। ये कोई नई चीज नहीं है, जो आदमी अच्छा काम करता है, सच्चा काम करता है, सारी कौम के, सारे जात के, सारे धर्म को लेके चलता है, उसको बदनाम करना बहुत आसान रहता है।
लेकिन जो जातिवाद करेगा, जो धर्मवाद करेगा, जो उसमें का छोटे छोटे सवाल लाएंगे, इसके लिए मैं आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बस्ती के मतदाताओं से मिलने के लिए आधा घंटा बाकी है, अगर वो चले गया तो मेरा भी टाइम खत्म, आपका भी टाइम खत्म, और आचार संहिता का हम भी सोच सकते हैं कि आप आधा ही घंटा बटाए। मैं 30 मिनट ये बस्ती के लोगों से बात करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। सभी लोग वेट कर लीजिए, अभी सभी लोग